सनातन धर्म के ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया के अवसर पर हरतालिका तीज मनाई जाएगी। मान्यता है कि हरतालिका तीज के दिन निर्जला व्रत करके माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा पाठ करने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। सुनिए न्यूज 18 लोकल से खास बातचीत करते हुए उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के वरिष्ठ आचार्य पंडित अरुणेश मिश्रा क्या बोले। हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाएँ रखती हैं एवं कुमारी कन्याएँ भी रखती हैं। ये व्रत माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी का होता है। इसमें महिलाओं को प्रातःकाल ब्रह्मवेला में उठना चाहिए, स्नान ध्यान करके भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन, जल, अर्घ, पत्र, पुष्प, तिलक, अक्षत लगा करके करना चाहिए एवं वस्त्र भी चढ़ाना चाहिए। फल मिष्ठान और सुहाग का सामान, सुहाग पिटारी बोलते हैं, वो माता पार्वती को अर्पण करनी चाहिए। ये सब व्रत, ये सब कार्यक्रम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के निमित्त करने चाहिए। सुहागिन महिलाएं एवं कुमारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं। तो व्रत करें ओम नमः शिवाय, ओम शिव शिवाय शिवाय तुभ्यम, ओम गौरे नमः, इन मंत्रों का जाप भी करें। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम गौरे नमः, इन मंत्रों का जाप भी करें और कथा का भी श्रवण करें। कथा हरतालिका तीज की कथा का भी श्रवण करें, आरती करें। इन सब बातों का ध्यान रखें कि इस दिन मिथ्या भाषण, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। और ये जो व्रत रखती हैं महिलाएँ अपने पति की लंबी आयु के लिए, वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए, दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहे, इसलिए ये व्रत किया जाता है। ये व्रत 18 सितंबर दिन सोमवार का है। इस दिन प्रातःकाल उठ करके पूजन करके एवं सायंकाल के समय कथा विश्रवण करें, भगवान को सामग्री वस्तुएं, फल वस्त्र इत्यादि सब कुछ चढ़ाएं। उनको, उन महिलाओं को जैसे कि किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है और अनावश्यक मिथ्या भाषण नहीं करना है, जल ग्रहण नहीं करना है। भूलवश जल भी ग्रहण हो जाता है तो जल चंद्रमा देख के ही, चंद्रमा को अर्घ दे करके ही जल ग्रहण करना है। इस व्रत में कुछ नहीं खाया जाता है, जैसा कि माता पार्वती ने हड़तालिका मतलब हड़ताल कर रखी थी, भूख हड़ताल बोलते हैं, वो कर रखा था। तो भूख हड़ताल जैसा ही ये व्रत है, इसमें कुछ नहीं खाते हैं। रात्रि कालीन चंद्रमा को अर्घ दे करके जल और भोजन ग्रहण करें। और कुछ महिलाएं जो हैं वो सूर्योदय को देख करके भी करती हैं, तो जैसा विधान के परिवार में चलता आ रहा हो वैसे ही उसको, व्रत को पूर्ण करें। उधम सिंह नगर से वेद प्रकाश लोकल 18 के लिए।